हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज ई इक्वल टू 141 साइन 628 टी, देन हमें गिवन है चार स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द पीक वोल्टेज इज 141 वोल्ट, सेकेंड है द आरएमएस वोल्टेज इज 100 वोल्ट, थर्ड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड फोर्थ द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। तो बच्चों, सबसे पहले हम इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे। द ईएमएफ वोल्टेज इज गिवन एज 141 साइन 628 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम। अब बच्चों, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से, जो कि होगा ई नॉट साइन 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी टाइम्स टाइम टी। सो बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा हमें मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि पीक वोल्टेज एज 141 वोल्ट। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग हमें जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट मिलता है। अब स्टेटमेंट 2 में गिवन है आरएमएस वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज को हम एक्सप्रेस करते मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को लिखते हैं, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 1.41। सो बच्चों, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 100 वोल्ट। तो इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। अब चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम ये दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करेंगे। इट मीन्स 2 पाई एफ टी इक्वल्स टू 628 टी, तो टी टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब हम पाई को लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एफ इक्वल्स टू 628, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास में 6.28, जो कि राइट साइड से कैंसिल होगा और हमें मिल जाएगा 100। इट मींस फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। इट मींस बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। सो 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।